हेलो एंड वेलकम टू रेसिपीज़ फ्रॉम इंडियन किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हेल्दी और टेस्टी सूजी की इडलियाँ। चलिए झटपट स्टार्ट करते हैं सूजी की इडली बनाना। इसके लिए मैंने एक बड़ा कप सूजी का ले लिया है और जितना हमें सूजी लेना है उतना ही हमें दही भी ले लेना है। दही की जगह मट्ठे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दही जितनी खट्टी होगी उतनी ही अच्छी इडली बनेगी। अब एक मिक्सिंग बोल में हम सबसे पहले सूजी ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे एक कप दही। और दही को डालते ही हम विस्कर की हेल्प से या किसी कांटे के हेल्प से बिल्कुल अच्छे से धीमे तरीके से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे बिना पानी डाले। पहले बिना पानी डाले हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ मैंने दही के कटोरी को धो करके पानी ले लिया है। ये देखिए ये एक तिहाई कप है पानी का और अब धीरे धीरे हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम प्लेन नहीं बनाएंगे, मैं इसमें तड़का डालूंगी। आप बिना तड़के के भी इडली तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं तड़का तैयार करूंगी। तड़के के लिए एक तड़का पैन में बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल ले ली है, ये सिर्फ एक चम्मच ऑयल है। इसमें हम आधी चम्मच राई के दानों को ऐड करेंगे और जैसे ही ये राई के दाने चटकना शुरू करेंगे हम इसमें बाकी की चीज़ों को भी ऐड कर देंगे। ये देखिए चटकने लगे। अब इसमें मैंने हरी मिर्ची और 8 से 10 करी पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ी देर के लिए हमें करी पत्तों और हरी मिर्ची को भून लेना है। ये देखिए ये भून गए हैं। अब इस तड़का पैन में ही हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये देखिए पहले मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करूंगी अपने बैटर में और साथ में इसमें नमक 1 चम्मच ऐड करूंगी। और अब ये तड़का पैन है, इस तड़के पैन का जो तड़का है इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से शेक करके ये पूरा मिक्सचर हम अपने बैटर में डाल लेंगे। अगर आपको नहीं डालना है तड़का तो आप तड़का छोड़ करके बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को वैसी मात्रा में ही ले सकते हैं। अब बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हमें इसे ढक्कन लगा करके 20 मिनट तक यूं ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। 20 मिनट में सूजी हमारी फूल कर रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारा इडली का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो। ये मैंने आधा पैकेट इनो ले लिया है फ्रूट सॉल्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1/3 कप और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पहले से ग्रीस किए हुए इडली के मोल्ड्स में हम इन्हें डाल देंगे एक एक करके। इसका बैटर आप अपने हिसाब से रखें। इडली का जो कंसिस्टेंसी होता है बैटर का आप पानी डाल के इसे उस तरीके का बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने मोल्ड्स में भर दिया है। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट स्टीम करने के बाद ये देखिए मेरी इडली बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब इन्हें ठंडा करके हम डी मोल्ड कर लेंगे। मैं आपको इसे घुमाकर दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी फूली फूली इडलियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए अब ये देखिए कितनी फूली फूली इडली हैं। बैटर हमने नीचे तक ही भरा था लेकिन ये बनने के बाद कितनी फूल गई हैं। ये देखिए हमारी इडली रेडी है चटनी के साथ सर्व करने के लिए।